हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोहम्मद रफी की जिंदगी की एक कहानी के साथ आए हैं। मोहम्मद रफी ने एक बार गीत गाने बंद कर दिए थे। उस वक्त परिवार के लोगों ने खूब समझाया तो वे फिल्मी गीत गाने के लिए तैयार हुए थे। अगर उनके आसपास के चाहने वाले और बच्चे उन्हें न समझाते तो हो सकता था कि आज हमें मोहम्मद रफी के बहुत से अनमोल गीत ना मिल पाते। रफी साहब ने मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद किया था। जिस वक्त ऐसा हुआ था उस समय वे अपने करियर के शिखर पर थे। वह यूं था कि रफी साहब हज पर गए थे। जब वो वहां से वापस आ रहे तो कहा गया कि आप वहां हाजी हो गए हैं, इसलिए फिल्मों में गाना बजाना सब बंद कर देना चाहिए। रफी साहब मान गए और गाना छोड़ दिया। हालांकि काफी लोग हैं जिनका मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन आप इंटरनेट पर एक बार सर्च करेंगे तो पाएंगे कि समय समय पर इस पर स्टोरी लिखी जाती रही है। हाल ही में जब अभिनेत्री YRY18 के फिल्मी दुनिया को छोड़ने की बात हुई तो एक बार फिर रफी जी के बारे में एक घटना चर्चा में आ गई है। मीडिया के सामने रफी साहब के बेटे शाहिद रफी ने इसकी पुष्टि भी की है कि हज से वापस आने के बाद रफी जी ने गाना बंद करने का फैसला किया था, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि कुछ ही समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। यह 1971 की बात है। इसी साल रफी साहब अपनी पत्नी के साथ हज पर गए थे। जब वे दोनों लौट रहे थे तो वहां के मौलवी ने कहा कि अब आप हाजी हो गए हैं, इसलिए आपको फिल्मों में नहीं गाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने देश लौटकर गाने गाना बंद करने का फैसला लिया। परिवार और बहुत करीबियों के समझाने पर रफी साहब मान गए और इसके बाद उन्होंने करीब 8 साल तक गीत गए। दोस्तों, आज रफी साहब को इस दुनिया को अलविदा कहे करीब 40 साल हो गए हैं, लेकिन उनके गीत आज भी कितने लोकप्रिय है यह बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद रफी ने अपने करियर की शुरुआत 1944 में की थी। रफी साहब को अपने करियर में कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें 5 पुरस्कार उनको हज पर जाने से पहले 1968 तक मिल गए थे। 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए रफी को पहली बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। साथ ही इसी गीत के लिए उन्हें 6ठी बार फिल्म फेयर पुरस्कार पाने का मौका भी मिला। यह थी मोहम्मद रफी के जीवन से जुड़ा एक किस्सा। आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।